आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं अपना वेट चेक करूंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने अपना वेट चेक नहीं करा है कि मेरा वेट कितना हो गया है। तो पहले तो अवनिका है पूरा 16 किलो 10 ग्राम। तो अब मैं अपना वेट चेक करूंगी। तो गाइस, मेरा वेट आया 56। तो 56 तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा वेट 4 किलो या 3 किलो बढ़ गया। तो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट होना चाहिए 52, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, इसलिए मेरी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए मेरा वेट 52। तो अब मैंने कुछ नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट नहीं किया है, और मैंने तब अपना वेट लिया है। ये तो मैं चाहती हूँ कि ओनली वॉक करके बिना डाइटिंग के मेरा वेट 3 किलो कैसे कम होता है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी आपके साथ मेरी ये 3 किलो वेट कम करने का सफ़र, जर्नी। तो मेरे को किसी सबने ये कहा कि वॉक करो वेट कम हो जाएगा। आज तक आपने भी सुना होगा कि सब यही बोलते हैं, वॉक करो वेट कम हो जाएगा, वॉक करो वेट कम हो जाएगा। पर मैं देखना चाहती हूँ कि मैं वॉक करके वेट कैसे कम कर सकती हूँ बिना डाइटिंग के। तो मैं कल से स्टार्ट करूँगी अपनी वॉक, और मेरी वॉक होगी 4 किलोमीटर की। तो देखते हैं डेली वॉक मेरी कैसे होती है, क्योंकि मेरे अवनी के टाइम पे मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था, मेरा वेट 64 हो गया था, सॉरी 60 के टाइम पे मेरा वेट 66 हो गया था। तो बहुत ज़्यादा वेट मेरा बढ़ गया था मेरे हाइट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मेरे बैक में पेन होने लगा था। तो मैंने अपना वेट कम किया है, काफ़ी ज़्यादा वेट कम। तो अब मेरा जैसे 3 किलो वेट बढ़ गया, तो इसका मतलब मैं वेट बढ़ने की जर्नी में फिर से शामिल हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से अपना वेट देखा ही नहीं था। तो अब मैं, तब मैंने डाइटिंग भी करी थी थोड़ी बहुत, तो फिर मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे किया। पर अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ये खाली वॉक करके ही अपना वेट 3 किलो कम कर सकती हूँ कि नहीं, मैं ये देखूँगी अब। तो देखते हैं, कल से मैं स्टार्ट करूँगी, तो आप लोग सब देखिएगा कि मैं बिना डाइटिंग के वेट कैसे कम कर सकती हूँ, होगा भी या नहीं बिना डाइटिंग के ओनली वॉक से वेट कम। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ वॉक करने, मेरे वॉक का फर्स्ट डे है, और मैं 2 राउंड काटूंगी इस पूरे पार्क के। और हमने अपनी को स्कूल छोड़ दिया है, देखो। तो गाइस, आज का मेरा ब्रेकफास्ट है चने की सब्जी, 2 पराठे और 1 ग्लास छाछ या मट्ठा, जो भी आप कहते हो। तो देख सकते हैं मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, मैंने 2 अच्छे खासे पराठे लिए हैं, और मैं 2 से ज़्यादा मॉर्निंग में या एक बार में नहीं खा सकती हूँ। तो यह है मेरा ब्रेकफास्ट। तो गाइस, मैं सुबह वॉक करी थी, 2 राउंड मारे थे एक्चुअली मेरे फर्स्ट डे से, तो मैं काफ़ी थक गई थी। और फिर उसके बाद मैंने आके यहाँ पे घर पे के पास भी हमारे एक ग्राउंड है, तो मैंने सोचा था क्यों ना आज टाइम है, तो फिर मैं स्कूटर सीख लूँ। एक्चुअली स्कूटर चलाने की थोड़ी आदत सी हो गई है, एक्टिवा सीख लूँ। तो एक्टिवा मैंने सीखी प्रॉपर तरीके से, मुझे अभी भी आई नहीं है, मे बी 8-10 दिन लग जाएंगे मुझे। तो फिर अब हम फिर अपनी को ले आए थे, और अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ हमने रात के डिनर की। तो मेरा रात का डिनर भी नॉर्मल ही होगा, जो कि मैं डेली रूटीन में ही खाती हूँ, कुछ ऐसा नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या बनाया है, और मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाई दिया था कि मैंने क्या ब्रेकफास्ट किया है। तो अब घर का मुझे लेना है थोड़ा सामान, तो हम चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब से इजी डे बंद हुए हैं तब से जियो मार्ट खुल गए हैं। तो दिखाऊंगी कि हमारे घर के पास जियो मार्ट पास में है, और कैसा है वो, क्या क्या है, और मुझे क्या सामान लेना है। तो चलिए मेरे साथ। तो मैं हो गई हूँ जाने के लिए रेडी, और मैंने पहने हैं मैक्स के शूज़ हैं ये, और मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे, तो इट्स वेरी वेरी कम्फर्टेबल। तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है बहुत ही इजी है इन्हें पहनना और इन्हें पहन के चलना। तो वो दोनों नीचे जा चुके हैं, अग्नि और मेरे पापा,
तो अब हम भी चलते हैं। हेलो दुबई, क्या लिया आपने? वेरी गुड। आ गए हैं और मैंने जल्दी से बनाया डिनर और मेरा सामान ऐसे पड़ा है, अभी मैं इसे डिब्बों में भरूंगी। तो आज का मेरा है, ये है मेरा आज का डिनर, सैलेड, दो रोटी, दाल, छाछ। तो ये है मेरा रात का डिनर। गाइस, मैंने रख दिया है सारा सामान अपना, सारे मसाले मैंने रख दिए हैं डिब्बों में। तो ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं, सारा सामान भर दिया है। अब ये सारी पन्नियाँ फेंकूँगी, काफ़ी कचरा हो गया है। तो गाइज, ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट सेकंड डे का। मैं वॉक करके आ गई थी, टू राउंड काट के अपने बड़े बड़े। और यह है गोभी के पराठे, चटनी, और देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पराठे हैं, नो डाइटिंग। गाइज, हम लेने गए थे अवनी को स्कूल और हो रही थी बहुत तेज बारिश, तो मौसम हो रहा था बहुत ही अच्छा। आज का है, ये है मेरा डिनर, चटनी, पुलाव और खीरा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरा थर्ड डे और मैं सोच रही हूँ आज मैं अपना वेट चेक करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कुछ वेट कम हुआ है। तो लेट्स सी कि कितना कम हुआ है। और अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, अभी मैं जस्ट उठी हूँ। तो देख, तो गाइस मेरा वेट है 55 किलो 2। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा मेरा वेट 56 से 55 हो गया है। तो मेरा 1 kg वेट कम हुआ है वॉक करने से। 2 days वॉक करी है मैंने, पर वो राउंड काफ़ी लंबे लंबे थे, काफ़ी बड़ा राउंड था। एक ही राउंड 2 किलोमीटर का था आई थिंक, और मैं 2 राउंड मार, मतलब 4 किलोमीटर में चल रही थी, तो वॉक कर रही थी। तो गाइस, इसका मतलब कि वॉक करने से भी वेट लूज हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी तो मेरा और वेट कम हो जाएगा। तो डेली वॉक करके भी आप अपना वेट कम कर सकते हैं बिना डाइटिंग के। तो गाइस, मैंने अपना प्रेगनेंसी वेट लॉस भी ऐसे ही किया था वॉक करके, और मैंने कुछ डाइट भी फॉलो करी थी उसके साथ। तो मैंने अपना प्रेगनेंसी वेट 1 month में कर लिया था 15 kg। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है उसके बारे में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, तो मैं उनका आंसर दूंगी कि मैंने कैसे 1 month में अपना 15 kg वेट कम किया है और क्या डाइट थी मेरी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।